हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2021 पेपर वन रे आसीथिबा ईवीएस क्वेश्चन पर डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन रे आंसर मु निजे बाहर करछि, तो एटा 99% आपण मानकर ठीक रहइबो। तो देखिने बा कोन रहछि क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहछि आपण मानक पई, टू होम आर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल फॉर वेरियस फंक्शंस इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय सरकार रे केंद्र मंत्रिमंडल विभिन्न कार्य पर क्या पाखे उत्तरदायी रहती। ये क्वेश्चनटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनटा, यहाँ प्रीवियस ईयर मैं आसाला मुझा आपको डिस्कसन करी। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हिच टू एनवायरमेंट्स आर लर्नड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था रे शिशु केउ दुईटी परिवेश विषय रे धारणा पाइथाय। तो बाल्यावस्था कोइछि चाइल्ड समय रे से कल्चरल एंड सोशल। ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक एवं सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, ए क्वेश्चनटा टिके एटा आमर न्यूमेरिकल क्वेश्चनटा, ए क्वेश्चनटा मु आपन मानको परे जणैबी, ए क्वेश्चनटा परे जणैबी। त आपन माने जे जानथि कमेंट बॉक्स कमेंट करि निहत हबे जणैबे, एटा सॉल्यूशन करि मु आपन मानको परे जणैबी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच मेरिडियन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर इंडिया। तो देखो, क्यों द्राघिमा रेखाटी भारत में बेस गुरुत्वपूर्ण अटे। तो यहाँ डायरेक्ट आम क्वेश्चन रही, आम भारत रो जो मेरिडियन बा द्राघिमा रेखाटा केते डिग्री जाइए, ये आप समस्त जानते। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये आपण मानक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5, जहाँ तार 82.5 मध्य सेम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हूँ आपर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच एनर्जी इज यूज्ड इन सेलिंग बोट्स। तो पालटना डंगारे क्यों शक्ति व्यवहृत हुए। तो करेक्ट आंसर होगी टाइडल बा जुआर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच वन इज डिटरमाइंड बाय प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। आमर जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होउछि सेथिरे कौन आम निर्णय करुछन्ति बा स्थिर करुछन्ति, तो सेथिरे कौन आम कौन ना एंट्री बिहेवियर ऑफ पुपिल्स, शिक्षार्थी प्रवेशगत व्यवहार। आम तार पूर्व ज्ञान चेक करके एंट्रान्स आमर जो एंट्रान्स टेस्ट कहते पूर्व ज्ञान व्यवहार पूर्व ज्ञान टेस्ट करके आम अन्य माने प्रमोशन करछन अन्य क्लास को। तो यहाँ हूँ आप मानकर एंट्री बिहेवियर ऑफ पुपिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एग्जिबिशन मेरिडेटेड एनवायरनमेंट साइंस टीचिंग। क्यों पद्धति परिवेश विज्ञान प्रदर्शन शिक्षादान अंतर्भुक्त नुहे से पचारि। तो देखु ये चार्टर यूज करा कर टेलीविजन कार्यक्रम यूज कर टेप रेकर्डर आउ कलापटा, ये दुटा भितर आप कन्फ्यूज रो। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू मी एटा कलापटार चित्र अंकन यहाँ हो। तो यहाँ टे कन्फ्यूज रही है दुटा भितर आप देखने जदि ऑप्शन डी हो आप कमेंट सेक्शन में जनइबे कौन हम करेक्ट आंसर। तो मो अनुजाई ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ये चार्टा मधुर कौटा ग्रीन हाउस गैस ना से पचारि। तो कार्बन डाइऑक्साइड आउ ओजोन मिथेन, ये तीन टा जाक ग्रीन हाउस गैस रही। ये आर्गन आप ग्रीन हाउस गैस ना, आर्गन गोटे ऑक्सीजन गोटे एगुड़ाक आम ग्रीन हाउस गैस नुहे। तो ये आर्गन रही, तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, आर्गन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच गैस इज रिलीज फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट। आमर लैंडफिल वेस्ट रू कौ गैसटा बाहर। तो लैंडफिल गैस रो आमर सीओ टू बाहर आउ मिथेन बाहर। तो ये मिथेन दे, तो मिथेन आम मारिने। नेक्स्ट तो ये आप मिथेन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच स्टैंडर्डाइज्ड मेथड इंडिकेट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसीला, यहाँ मुझे डिस्कसन कर वर्ष आसी। तो यहाँ आपर जदि कनसीस्टेन्सी रोज गोटे स्कोर रो, तो सीटा हम आप कौन हम ना रिलायबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार कही प्रथम टीचर जनवरी मसे से परीक्षा कले 10 पिला को लेकिन किसी क्वेश्चन देखिए टेस्ट कले से जहाँ आसला से जून रे कले मत से फिर डिसेम्बर कले मत से आसूँ। मैंने जो स्कोर स्थिरता रोचे से कहुए रिलायबिलिटी विश्वसनीयता विश्वस्तता। तो ये आप हूँ करेक्ट आंसर विश्वसनीयता।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन टा मुझे नेट रे सर्च करी तो ये 27 डिग्री सेल्सियस कौन कहे ना केपम्रा शब्दर बेग यार 27 डिग्री मूल्य दुई गुण हम ये आपने कौन हम ना 927 डिग्री सेल्सियस हम किंबा जदि आम केल्विन रे देता ताहले 1200 डिग्री केल्विन होता 1200 के होता ये आप सेल्सियस पचार तो आम 927 सेल्सियस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन टा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आप वर्तमान आसी तो यहाँ आम मीनामाता डिजीज हो करेक्ट आंसर पारद विषाक्त प्रभाव मीनामाता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ विच क्रॉप वाज द ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। तो देखो आमर भारत में क्यों शस्य सहित सबुज विप्ल आरंभ होता तो ये आपको सुगर तो हमने कटन हेनी ये दुटा फिर आप कन्फ्यूज रहेंगे तो आप करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी विट हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू होम ए टीचिंग एड इन द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी इज मीट। तो आमर भूगोल शिक्षार व्यवहृत सहायक सामग्री आम जो TLM रही से गुड़ाक कहाँपाई उद्दिष्ट से पचार तो देखो ये आप उदिष्ट तो देखो आम जो TLM द्वारा शिक्षक को भी साहब कहीं शिक्षक शिक्षार्थी मान बुझे पारे आार्थी मानक हो कहीं शिक्षार्थी TLM मध्यम सहजरे बुझिपार तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उभय छात्र और शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट सेपरेटली इन द स्कूल कंपाउंड व्हिच इज ए करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीडर आप द प्रोसीडर। तो देखो विद्यालय परिसर में पर्यवेक्षण पद्धति अनुसरण कर पाग और जलवायु मध्य पार्थक्य पृथक भाव अनुधान करने गोटे श्रेणी में समस्त विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देश दे पद्धति क्यों अवधारणाटी ठीक हम पद्धति क्यों अवधारणाटी ठीक हम पर्यवेक्षण अवधि स्वल्पकालीन हम ना शिक्षक द्वारा कार्य अनुधान सहज साध्य ना दैनिक पर्यवेक्षण समग्र ना भ्रांति दुर्भूत हम तो ये आपर कौन हम ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पॉसिबिलिटी ऑफ डेली ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे टेक प्लेस। ये क्वेश्चन मतलब 2018 रे आपन माने वर्तमान मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आसी एटा आपन माने 1857 मसीहा प्रथम आम जो स्वाधीन संग्राम पर आरंभ होता 1857 ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार दुई तीन थर एटा रिपीट कर क्वेश्चन को यहाँ 2018 जो पेपर लिख होता से आपश्चिन आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो शिक्षादान और शिक्षण क्षेत्र में परिमाणात्मक गवेषणा होता परिसंख्यागत विशेषत क्यों आवश्यकता पड़े ना तो इंटेलिजेंस तो रोच लर्निंग अचीवमेंट रोच ये फिजिकल टेस्ट हेनी आप करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ये तो चार्टा मध्य कौटा अलग रही तो देखो आप पोटैटो रेडिश कैरेट ये तीन टा गोटे भिन्न रही है स्वीट पोटैटो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कनाल तो पाकतंत्र दीर्घतम अंशटी क्योंटी एटा आप ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर तो निम्न दि जाता विशेष गुण मध्य क्यों कंप्यूटर मध्यम शिक्षण अंश विशेष नुहंती तो कंप्यूटर आम स्पीड उपरूर एक्यूरेसी रोचे कंप्यूटर स्टोरेज रोचे इंटेलिजेंस यहाँ हमने अपने भिन्न रही ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है ये क्वेश्चन मतलब आप प्रीवियस ईयर 2018 रे आसी मानक रिपीट होती तो यहाँ आप विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1919 डिड बिकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आम मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड संस्कार आईन हम करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हू इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ आप प्रीवियस 2014 या 13 रे क्वेश्चन आसीला तो यहाँ आम कौन कही ना भारतीय संविधान रक्षाकर्ता किए यहाँ हो सुप्रीम कोर्ट बा सर्वोच्च न्यायालय ए क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राय क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर एग्जाम आसी कही व्हाट सुड बी डन व्हेन फिंगर्स आर बर्न्ड आमर जदि हाथ आंगुठी पोड़ ताल कौन करवा कौन करा उचित तो ये आप करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी टू डीप द वुंड इन कोल्ड वाटर ठंडा पानी रे क्षत अंश को बुड़ाई रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी तो आमर जो गर्भधारण प्राथमिक अवस्था को विटामिन आवश्यकता होता है यहाँ समस्त जानते हैं यहाँ आम फॉलिक एसिड आयरन टैबलेट दौर आप फॉलिक एसिड रही है करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज लोकेटेड द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तो भारत उत्तरतम प्रांत केउटी से पचार तो ये आप करेक्ट आंसर हो लद्दाख लद्दाख हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स अबाउट एन इलेक्शन कमिशन आमर इलेक्स भारतीय संविधान क्यों धारा निर्वाचन आयोग संपर्क में सूचना देती है यहाँ आप्शन नंबर डी हम आर्टिकल नंबर 324 आर्टिकल नंबर 324 लिखा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री एट प्राइमरी लेवल आमर प्राथमिक स्तर में इतिहास शिक्षादान निम्ते क्यों पद्धति अधिक उपयोगी अटे ये क्वेश्चनटा बहुत बार रिपीट हो क्वेश्चनटा बहुत बार रिपीट हो तो यहाँ आप करेक्ट आंसर हो स्टोरी टेलींग यहाँ 2018 रिपीट होता गल्पकथन मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 148 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस तो बरफ तरलवा बेले केउटीर परिवर्तन हो न थाए तो वॉल्यूम रे परिवर्तन हुए टेम्परेचर रे फेज रे हुए डेंसिटी रे परिवर्तन हुए ने करेक्ट आंसर होछ ऑप्शन नंबर ए सांद्रता। 149 क्वेश्चन तो देखो 149 नंबर कौन कहे ना गोटे जान एक सरल रैखिक पथरे ए रु बी को जाऊँ ए रु बी को जाऊँ 20 किलोमीटर पर हावर तापर से बी रु ए को रिटर्न कर 30 किलोमीटर पर हावर तो ये आप एवरेज समस्त जानटी हाराहारी बेगर एवरेज के पचार एवरेज पचार तो आम 20 प्लस 30 जीवा आसा दिन मिसिक दुई डिवाइड करदे तो 50/2 इज गल 25 तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए 25 किलोमीटर पर आवर हो तार एवरेज हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर तो कौटा आमर आइसो इलेक्ट्रॉनिक रही मैंने क्यों मानक इलेक्ट्रॉन संख्या समान रही तो एन टू सामान रही सीओ रही है एनओ रे सी एन माइनस समस्त रही तो ये ऑप्शन नंबर डी होल अफ दिज बा समस्त तो फ्रेंड्स ये मोर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चन डिस्कशन कली तो जब भिडियो भल लगता है तो निहती भाव गोटे लाइक करेंगे और अधिकारू अधिका मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।